नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं बुद्ध पार्क के अंदर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय समाज के वो कभी, बहुजन समाज के वो कभी। अगर किसी भी कार्यक्रम में ना पहुंचे तो कार्यक्रम भी सुना सुना लगता है। राहुल नागपाल जी, राहुल नागपाल जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राहुल जी बात बताइए, आज जो इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ पे दिख रहा है, जो पार्क के अंदर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? देखिए, ये जो हमारे दिल्ली के कैटराइज परिवार हैं, बुद्धिस्ट परिवार हैं, अम्बेडकरवादी परिवार हैं, उनको एक पिछले 20-25 साल से ये हमारे बुजुर्गों ने शुरुआत की थी कि यहाँ पर के जो फरवरी का दूसरा संडे होता है उसमें सारे लोग इकट्ठा होते हैं। पहले एक जगह इकट्ठा होते थे, लेकिन अभी ये दो जगह इकट्ठा होने लगे हैं, बुद्धा पार्क में और दूसरा आईपी पार्क में। दोनों जगह हजारों की संख्या में होते हैं और एक अच्छा प्रोग्राम होता है और हर आदमी की कोशिश होती है कि उस प्रोग्राम में आए। इससे क्या है कि इसके दो फायदे हैं मेरी नज़र में, कि जितने आंदोलन होते हैं या अम्बेडकर प्रोग्राम होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है कि सीनियर लोग जाते हैं, छोटे बच्चे नहीं जा पाते हैं, तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि किसके बच्चे कितने बड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पर जब विद फैमिली के साथ लोग पहुँचते हैं तो किसकी बिटिया बड़ी हो रही है, किसका बेटा बड़ा हो रहा है, किसका बेटा क्या कर रहा है, किसकी बिटिया क्या कर रही है, तो उससे हम लोगों को बच्चों को मिलने का मौका मिलता है। और जब बच्चों को मौका मिलने का मिलता है तो फिर कहीं शादी ब्याह की भी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ समस्या। हमारा परिवार का मिलने का उद्देश्य होता है कि हम अपनी समस्याएँ, अपनी बातचीत जो है वो लोगों तक पहुँचा सकें। तो यहाँ पर आने के बाद हमारी बहुत सारी समस्याएँ ख़त्म होती हैं, बच्चों की, खासतौर से ब्याह शादी की, और बच्चे किसके कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारे बौद्धों का, अम्बेडकर बुद्धिस्टों का एक मेला होता है और बच्चों के साथ होता है, तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। ये तो आपकी सारी कविताएँ बहुत अच्छी होती हैं, सारे गीत बहुत अच्छे होते हैं, ढेर सारे गीत आपने समाज को दिए हैं। मैं चाहूँगा इस पावन मौके पर एक खूबसूरत गीत कविता आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी आपके चाहने वालों को जरूर सुनाएं। अभी मैंने एक नई कविता लिखी है और शायद वो पहली बार मौका है कि मैं सुना रहा हूँ उसको आज, तो मैं इसकी कुछ चंद मिसरे हैं वो सुनाता हूँ आपको। कि हमारी कलम रोती है, हमारा दिल भी रोता है। कि हम जब इन्होंने देश के अंदर संविधान जलाया, लिखने वालों की हत्याएं की मोदी सरकार में, तो तब कहीं ना कहीं कवि को, एक साहित्यकार को लिखना पड़ता है, तब कहना पड़ता है कि हमारी कलम रोती है, हमारा दिल भी रोता है। यहाँ दिल्ली भी बहरी है, यहाँ संसद भी सोता है, और जला कर राख कर डाला मेरे भारत का संविधान। चाहे वाले तेरे राज में संविधान भी रोता है, चाहे वाले तेरे राज में संविधान भी रोता है। तो कुछ लाइनें मैंने लिखी थी जो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को देने चाह रहा हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपका।